Welcome to Time News Studios. You are watching 11 p.m. Bulletin. सिंध हुकूमत बैन अलसूबाई ट्रांसपोर्ट ते हफ़्ते में बड़ी पाबंदी लगाए छी। जारी कल हुकुमनामे मूजिब बैन अलसूबाई ट्रांसपोर्ट ते 25 और 26 अप्रैल के विच वारी रात तई पाबंदी लागू होंदी। सजे सिंध में जुमे आचर ते कारोबारी मरकज़ बंद रखने जो भी ऐलान घरू खाते तरमीमी नोटिफिकेशन जारी कर छोड़ो। खाधे पीते की शयन जहाँ दुकान मेडिकल स्टोर्स और खीर जहाँ दुकान पाबंदी का आजा होंगे। स्कूल बंद तो नहीं किया हमने, बच्चों की जो फिजिकल अटेंडेंस होती है उसको हमने रोका। ये बात तो फैक्ट है कि इस वक्त सुबह सिंध में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कोविड की वो सूरत हाल नहीं है जो पंजाब में है या खैबर पख्तूनख्वा में है। हुकूमत सिंध ने पिछले कई दिनों से फेडरल गवर्नमेंट को ये दरख्वास्त की हुई है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है इंटरप्रोवेंशन उसको बंद किया जाए, जो ट्रेन हैं उसको बंद किया जाए, जो फ्लाइट्स हैं उसको बंद किया जाए, ताकि पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से जो यूके वेरियंट इस कोविड का आया हुआ है ज़्यादा है उससे हम अपने सूबे के लोगों को महफूज रख सकें, बचा सकें। लेकिन अभी तक वफाकी हुकूमत ने ये फैसला नहीं किया है। कई दिनों से जो शराय चल रही थी खासतौर पर कराची और हैदराबाद में उसमें इजाफा हो रहा है। ये नहीं है कि वो नीचे जा रही है, जितने भी इकदाम किए जा रहे हैं वो बहालत मजबूरी किए जा रहे हैं। हम एग्जाम्स के बगैर प्रमोट नहीं करेंगे, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि अगर एग्जाम्स मार्च में होने थे तो मार्च में ही होंगे। अगर सूरत हाल ऐसी पैदा होती है कि जिसमें आपको कुछ महीने आगे जाना पड़ता है तो हम आगे चले जाएंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस की सूरत हाल खराब है। उतां माण्हुनि जी सिंध ना आमद रोकी वञे। सिंध सरकार इंटरसिटी बसूं ट्रेनूं और उड़ामूं बंद करण जो मुतालबो कंदे चिता ॾिनो आहे त वफाकी हुकूमत पाबंदियूं न लॻाईंदी त सूबाई हुकूमत पाण एक्शन खणंदी। सूबाई वज़ीर सईद गनी चयो आहे त काफ़ी ॾींहं अॻु वफाकी सरकार खे दरख़्वास्त कई पर अञा फ़ैसिलो नाहे थियो। छा असां पंजाब ऐं के पी जहिड़ी सूरत हाल जो हिते वेही इंतज़ार कयूं? कराची ऐं हैदराबाद में कोरोना केसिस वधी रहिया आहिनि। 8 दर्जे ताईं क्लासिस बंदि करण वारो फ़ैसिलो मजबूरी में कयो आहे। हिन भेरे शागिर्दनि खे इम्तिहाननि बिना प्रोमोट न कयो वेंदो। आज शो का नोटिस भेज रहे हैं इनको जी, दूसरी जमात जी भेज रहे हैं, आज भेज रहे हैं जी। अच्छा, क्या मतन क्या है सर उसका? शो मतन क्या है सर उसका? मतन ये है कि ये आपने किया है। अच्छा, आपने हुकूमती बैन से लोग लेकर आपने अपोजिशन लीडर की कुर्सी हासिल की है, ये पीडीएम के जो मंशहूर है जो बयानिया है उसके खिलाफ। अगर वो जवाब कोई तसली बख्श देते हैं तो उसको कोई गुंजाइश है या आप लोग फैसला कर चुके हैं कि उनको निकालना है? नहीं, मेरा फैसला नहीं है, पीडीएम का फैसला होगा। मेरा काम तो शो कॉज जारी करना। ऑपोजिशन इत्तेहाद ऐं पीडीएम जी तहरीक के नुकसान पहुंचाने वालों कदम छो खयो? जवाब दियो। मौलाना फजल रहमान की मंजूरी से पीपल्स पार्टी एनपी के शोकास नोटिस जारी। 7 ॾींहनि अंदर जवाब तलब। शाहिद काकान अब्बासी चयो आहे त पीपल्स पार्टी खां वज़ाहत घुरी वई आहे त हुन छो बीएपी खां वोट वरिता। शाहिद काकान अब्बासी पीपल्स पार्टी खे फ्रेंडली ऑपोजिशन जो तानो ॾींदे बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी तजवीज़ ते तंज़ कयो त जेकॾहिं हुकूमत जा 5 मेंबर खणी वठूं त हमज़ा शहबाज पंजाब जो वॾो वज़ीर बणिजी सघे थो। पीडीएम नोटिस जारी कयो त असां पीडीएम पंजाब जे सदर खे नोटिस जारी कंदासीं। पीपल्स पार्टी अॻवान चौधरी मंज़ूर चयो आहे त पुछंदासीं त सेनेट में नून लीग तहरीक इंसाफ़ सां गठजोड़ कंहिंजे चवण ते कयो? पंजाब में लॉन्ग मार्च जी तयारी छो न कई वई? खैबर पख्तूनख्वा में नून लीग अब्बास आफरीदी खे हथु छो न खणायो जंहिं सबबि फरतुल्ला बाबर ऐं अब्बास आफरीदी ॿई हाराए विया? ईंदड़ 2.5 सालनि में हक़ीक़ी कारकर्दगी आवाम खे नज़र ईंदी। महांगाई ख़िलाफ़ हुकूमत क़दम खणी रही आहे। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान चयो आहे त करप्शन ते का बि सौदेबाज़ी न कई वेंदी। सटा माफ़िया खे ॿीहर उभरण न ॾींदासीं। हुकूमती तर्जुमाननि जे इजलास दौरान वज़ीर आज़म चयो त खंड जो अघु तय करे छॾियो आहे। हुकूमत बुनियादी शयुनि बाबति क़ानून साज़ी करे रही आहे। पार्टी अॻवान महांगाई ते नज़र रखनि। हथरादू महांगाई कंदड़नि ख़िलाफ़ बिना फ़र्क़ जे कार्रवाई कई वेंदी। वज़ीर आज़म पारां रमज़ान शरीफ़ दौरान अवाम खे भरपूर रिलीफ ॾियण जी हिदायत। सारण साहब, मेरी गुजारिश है कि आपके साथी तीनों को मैं एक्स्ट्रा सीट्स नहीं लगा सकता, जो जिस पार्टी की नुमाइंदगी है उसके मुताबिक जरूर देंगे। जिस तरह
ट्रेनरी बेंचेस से मोहब्बत भरे तोहफे आए अपोजिशन की लीडर की तकर्री के लिए और एक और चैप्टर का आगाज हो गया। हमें अपनी बात करने की इजाजत, आप लोग तशरीफ रखें, बाद में दिलावर खान साहब बात कर लेंगे जी, आप तशरीफ रखें, तोहफा बहुत तशरीफ रखें, शेख साहब तशरीफ रखें, बड़ा बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ तशरीफ रखें, सब और पार्लिमानी लफ्ज़ है, आपको मौका देंगे, हाउस का माहौल खराब ना करें जनाब, तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें, सेनेटर दिलावर खान साहब, मेरी गुजारिश है फैसल जावेद साहब और अब्दुल कादिर, आप जाके जो अपोजिशन के हमारे दोस्त हैं उनको मना के ले आए। सेनेट में ऑपोजिशन बिन हिसन में विरहाई जी वही नवाज लीग जे सेनेटर आजम नजीर तारड़ अलग ऑपोजिशन बेंचेस अलॉट करण जी घुर करे छड़ी। सेनेट में गुझियों कैमराज लगाने वाले मामले की जांच कराने जो भी मुतालबो। आजम नजीर तारड़ चयो तो यूसुफ रज़ा गिलानी के ओपोजिशन लीडर बनाने लाए पंज तोहफा उमाणिया पाया। नवाज लीग सेनेटर के बयान से यूसुफ रज़ा गिलानी के हामी सेनेटर्स जो एहतजाज। बीएपी के सेनेटर्स के तोहफो सरण से हुकूमती मेंबर्स जो भी गोल। दिलावर खान ग्रुप ऐवान में वॉकआउट करे वो। पीटीआई सेनेटर फैसल जावेद ओपोजिशन के बचाए वरतो। समूरी ऑपोजिशन के घर खड़ी हलंद आवाम के रिलीफ दियण में हुकूमत के दुखियाँ थियं तो उनको भी आवाज़ बणजंदी। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर यूसुफ रज़ा गिलानी जो खिताब। यूसुफ रज़ा गिलानी चवा है इख्तिलाफ़ राय जमहूरियत जो हुसन है, यो न सोचण घुर्जे तो मुझे बारे में कहीं छो ऐलो। आवाम की तर्जुमानी असो फर्ज़ है। मुल्क के पेश आयल चैलेंजेस के मुंह दियण लाए गरजी कम करो पवो। मुख्यो हो तो सेनेट में सीनियर्स हूँ आऊँ तो इतने रुगो नौजवान पे ऐसा। यूसुफ रज़ा गिलानी अहमद फराज जो शेर पढ़ंदे चयो तो यो शेर के हुकूमती सेनेटर शिबली फराज बुधायो हो। नेशनल असेंबली में तो बहुत शौक है, इधर मुझे शो किया जाता था कि यहाँ ज्यादा एल्डरली लोग होते हैं, मगर मैं तो उलट देखा, यहाँ तो यंगस्टर ज्यादा है। शिबली फराज साहब ने एक शेर मुझे सुनाया, यूसुफ न थे मगर सरे बाजार आ गए, खुश फहमियाँ ये थी कि खरीदार आ गए, आवाज देकर छुप गई हर बार जिंदगी, हम ऐसे सादा दिल थे कि हर बार आ गए, अब दिल में हौसला न सकत बाजुओं में है कि अब के मुकाबले में मेरे यार आ गए। कराची जी दहशतगर्दी टोड़ अदालत एम क्यू एम जे मर्कज 90 ते ऑपरेशन बाबत 52 केसिस जो फैसलो महफूज करे वरतो। फैसलो 23 अप्रैल से बुधायो वेंदो। 11 मार्च साल 2015 ते रेंजर्स जे ऑपरेशन दौरान 90 तां गिरफ्तार कयल 26 जवाबदारन खिलाफ़ धमाकेदार मादो ऐं गैर कानूनी हथियार रखण समेत मुख़्तलिफ़ केसिस दाख़िल कया विया हुआ। गिरफ़्तार जवाबदारन में फैसल उर्फ मोटा, उबेद केटू, आमिर सरफटा, आमिर तीली ऐं ॿिया शामिल। सगियों भर से अगवा जानायल नारी सोभोदेरो थाने ते पहुंची वही। नारी आमना ओठी पुलिस आरो दाहींदे चयो त पसंद जी शादी जी ख्वाहिश तां वालदेन ऐं भाइर तशद्दुद कंदा आहिन, तहफ़ुज़ फ्राहम कयो वञे। पुलिस मौजूद मामले जी जांच कई पई वञे। हैदराबाद भरसा फाहो लगल हालत में मिलल जोड़े मां नारी जे कत्ल जो खदशो जाहिर। टंडो फजल वारे इलाके में नौजवान जेठू ऐं संदस ज़ाल राणी कोल्ही जा लाश हताया हुआ। पोस्टमार्टम बाद एमएलओ डॉक्टर वसीम खान चयो त लगे थो त नौजवान जेठू कोल्ही जाल राणी के कत्ल करण बाद आपघात कयो। पुलिस खां वाके में इस्तेमाल थियल रसियूं ऐं ॿियूं शयूं बि चकास लाइ घुराई वियूं आहिनि। पिथोरो भरिसां ॻोठ सतोवाटर में 50 वरनि जी मेणी कोल्ही जो फाहो खाधल लाश अतायो। वारसनि पारां वाकियो आपघात करार। टाली पुलिस पारां लखें रुपयनि जी मनशियात हथ अचण वारे मामले में मुबैना तौरु ग़लति बयानी करण तां SHO समेत 3 अहलकार मुअतल। मामले जी जांच कुंडरी जे SHO हवाले। कुझु ॾींहं अॻु टाली पुलिस कार मां लखें रुपयनि जी चर्स हथ करे जवाबदार रिज़वान गुशकोरी खे गिरफ़्तार कयो हो। मुअतल थियलनि में SHO ख़ुशबख़्त शबाना नाज़, मुंशी अली बख़्श चांडियो ऐं अहलकार मोहम्मद अहसान गुशकोरी शामिल। मुअतल थियल SHO के एडिशनल IG हैदराबाद मनशियात हथ करण तां 7 अप्रैल ते इनाम ॾियण जो ऐलान कयो हो। डॉक्टर फोन कराया
गंबटवासी गोठानो पालत सबब लाड़काने जी चांडका अस्पताल में फौत वारसन जो डॉक्टर से लापरवाही जो इल्ज़ाम साहिबा खातून दायों वाहिद फालिज में मुब्तला गुलाम हुसैन लाशारी के गुजरियल रात चांडका अस्पताल में दाखिल कराया वो पर दाहूँ करण बावजूद लागापियल डॉक्टर ना आयो जैन सबब मरीज तड़पी तड़पी दम डेई छो नोटिस वी सख्त कार्रवाई कई वही। गंबट भरसा रोड हादसे जो जख्मी नौजवान फौत फौतिन जो अंग मथी वो मोटरसाइकिल ट्रैक्टर विच में टक्कर सबब निसार अहमद पुल थरे से फौत वो हो जख्मी नौजवान अमजद गिम्स अस्पताल में दम दिनों आखिरी चौधगी वेझो तेज रफ्तार कार के टक्कर में वाटेडू फौत वो फौती नौजवान अयाज गुलाल जो लाश अस्पताल मुंतकिल पुलिस कार तहवील में वी छी टंडो आदम लग ट्रक जो मोटरसाइकिल के टक्कर मोटरसाइकिल सवार पौरियत थरे से फौत एक औरत नींगरी जख्मी ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। टाइम न्यूज़ से गए दाऊ हाँ ताहिरा वजीर हेडलाइंस वी तफसीली खबरों शॉर्ट ब्रेक का।